कहते हैं प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें किसने दिया था अमरत्व का वरदान? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हनुमान जी से जुड़े कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान किसने दिया, इसके अलावा हनुमान जी से जुड़ी बहुत सी रोचक बातें हैं जो आप भी जानना चाहेंगे। दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में पहुंचे, उन्होंने भगवान श्री राम का संदेश सुनाया, वो भी माता सीता को, तो माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को एक अंगूठी दी और अमर होने का वरदान भी दिया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हनुमान जी को माता सीता ने ही अमर होने का वरदान दिया था और कहा था कि आप पृथ्वी पर सशरीर मौजूद रहेंगे, वो भी कलयुग के अंत तक, ताकि आप सभी प्राणियों की रक्षा कर सकें और श्री राम का वाहन कर सकें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिवजी ने कामतुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वनराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी और प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में जब हनुमान सूर्यदेव को फल समझकर खाने को दौड़े, तो घबराकर देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी बेहोश हो गए। ये देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। तब परमपिता ब्रह्मा हनुमान को होश में लाए और उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। इन वरदानों से ही हनुमान जी परम शक्तिशाली बन गए। दोस्तों, जब हनुमान जी विद्या ग्रहण करने के योग्य हुए, तो माता पिता ने उन्हें सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। हनुमान जी ने जाकर सूर्यदेव से गुरु बनने के लिए प्रार्थना की। तब सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, ना ही मेरा रथ रुक सकता है। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें किस तरह शास्त्रों का ज्ञान दे पाऊंगा? तो हनुमान जी ने कहा, आप बिना अपनी गति कम किए मुझे शास्त्रों का ज्ञान देते जाइए, मैं इसी अवस्था में आपके साथ चलते हुए विद्या ग्रहण कर लूंगा। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया। सूर्यदेव वेद आदि शास्त्रों का रहस्य शीघ्रता से बोलने जाते और हनुमान जी शांत भाव से उन्हें ग्रहण करते जाते। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से ही हनुमान जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वही उनके गुरु थे। और उन्हीं के कहने पर आगे चलकर भगवान हनुमान जी ने विवाह किया, वो भी कुछ समय के लिए। उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम से हनुमान जी की भेंट हुई और किस तरह से फिर पूरी की पूरी रामायण गठित हुई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत